आप ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हो, ठीक है उत्कर्ष, ये महीना आपका लास्ट ही है, आएंगे तो हम सीधा बहुत मार मारेंगे, जितना आप वीडियो बंद किए जितना इरिटेट किए ना बहुत पीटेंगे। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, कोई क्या कर बाबू, कोई ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर जा रहा है सर, कितना सेकंड में, 4 सेकंड में, है ना बाबू, फिर अगला 16 मीटर गया, मान लो ये पॉइंट ए है बाबू, यहाँ पे पॉइंट ए है, ए से बाबू बी गया, अब बी से कहाँ गया बाबू, सी गया, ठीक है, कितना मिनट में मीटर सर, 16 मीटर, टाइम कितना लग रहा है सर, 2 सेकंड लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है ना, 2 सेकंड लग रहा है बाबू, पहले गाड़ी यहाँ था, चल के यहाँ से गया, फिर यहाँ से चल के यहाँ गया, है ना, तो टोटल के आपको क्या निकालने का रहा, एवरेज स्पीड निकालने का रहा, मतलब 16 मीटर कवर किया सर 4 सेकंड में, और नेक्स्ट 16 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, तो कह रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो कितना होगा बाबू, बता बाबू अली सा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड हम बताए सर, टोटल डिस्टेंस बाबू अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस 32 मीटर हो गया, और अच्छी बात है, सालनी आई हो बाबू, टोटल डिस्टेंस कितना सर, तो यहाँ से 16 मीटर, यहाँ से 16 मीटर, 16 मीटर प्लस 16 मीटर, यूनिट साथ लेके चलना है, डोंट मिस द यूनिट बाबू, 32 मीटर, हाँ, टाइम टोटल टाइम कितना सर, तो 2 सेकंड, 2 सेकंड है ना, 4 सेकंड, 4 सेकंड बाबू, अब प्लस 2 सेकंड, यही ना मम्मी पढ़ाई बाबू, 6 सेकंड, हाँ बाबू, 16 प्लस 16 मम्मी क्या पढ़ाई है, 32 पढ़ाई है ना बाबू, मीटर है, मीटर है, मीटर हो जाएगा, अब 4 प्लस 2 क्या पढ़ाई है, 6 पढ़ाई है, सेकंड है, सेकंड हो जाएगा, अच्छी बात है, इसको डेसिमल में मम्मी कन्वर्ट करना बताइए ना, 2 से बाबू 3 और 2 से 16, तो 16 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर क्या है सर, मीटर है, नीचे क्या है सर, सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डेसिमल, इसको करोगे तो 5.33 आ जाएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है अलीसा, जय बाबू रो रही थी अलीसा, सर ये बन गया था, अच्छा मेरे लाल, पर गौरव वीडियो ऑन करो बाबू की, पापा फोन लगा लिखे सर, अच्छा ऑन कीजिए, शैतान ही सब, सालनी नहीं आई है, जल्दी लिखो जल्दी, अच्छा ठीक है स्पॉटलाइट कर रहे हैं, सालनी शैतान नहीं आई है आज, उसको फोन करना पड़ेगा ना, अटेंडेंस मार्किंग करना पड़ेगा बाबू, कहाँ गया अटेंडेंस, यहाँ है, एक अटेंडेंस खत्म हो गया, नया अटेंडेंस लाए, हाँ मेरे लाल सारा ड्रा करना, इसमें नाम किसका किसका नहीं, चला मोहित है, सालनी है बाबू, कितना तरीका है बाबू, नाइन को एब्सेंट हो गए, चलो ठीक है, नाम किसका नहीं चढ़ा, अस्मिता, और कौन है बाबू, सानवी है, सालनी एब्सेंट है, टोटल होता है इसमें 22-24 स्टूडेंट होना चाहिए, और कौन एब्सेंट, 20 स्टूडेंट है सर, यहाँ पे 22 है बाबू, सानली स्वाति है, उत्कर्ष है, आज प्रेजेंट 20 है, हाँ बाबू, आर्यन, आर्यन एक ऑप्शन है ना बेचारा का बाबू, फीवर लगा हुआ, आर्यन एक ऑप्शन है, अंकित, अंकित है, विजयंत, विजयंत एक ऑप्शन है, हाँ तो ठीक है बाबू, विजयंत भी ऑप्शन है, नौ नंबर, बाकी लक्ष्मी है, पीयूष है, गौरव है, मोहित है, सौरभ है, सपना, श्रुति, अंकित, अलीसा, सत्यम, धर्मवीर, उत्कर्ष, अस्मिता, सनवी, ठीक है, मेरा नाम नहीं है प्रधान आपका बाबू, हाँ सर, 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 सर मेरा भी नहीं है प्रधान बाबू, प्रधान का नहीं है सर, मेरा नाम अंकित से चढ़ा हुआ है, हाँ अंकित बिट्टू सर, मेरा कौन बाबू, सर अनुज, हाँ शैतान आपका भी नहीं, अनुज, अनुज है बाबू, पांच नंबर, पांच फाइव में अनुज आपको, ठीक है ना, प्रधान का नहीं, ठीक है,
चलो तो 23 है ना बाबू, तो 23 दो मेरा सिस्टम 25 मेरा है। किसका बाबू? सर प्रत्युषा 22 है सर, 22 है टोटल। प्रत्युषा आपका भी नहीं बाबू, आप इस बैच में नहीं ना। चलो ठीक है, प्रत्युषा हो गया, चलो अच्छी बात है बाबू। जो जो एब्सेंट रहता है उसी का अटेंडेंस करते हैं। चलो ठीक, धर्मवीर कहाँ भाग गए शैतान। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एलकेजी का जल्दी से लिखे बाबू। सर वो कार वाला करवाइए जो आप लिख रहे थे उसमें। लिख लिए सर। यस सर, वो बता रहे हैं। आकांक्षा वीडियो ऑन कीजिए बाबू। आकांक्षा ऑन कीजिए बाबू, ऑन करो कि रिमूव करें बाबू। एक क्वेश्चन आ रहा है एलकेजी, ये सब एलकेजी का। ये सब किस क्लास का पढ़ना सर बाबू? सब 2-3 का पढ़ना है, ठीक है ना? सब 2-3 में पढ़ना है, क्या करें? आप लोग का सिलेबस में 9 में दिया, धर्मवीर को 9 में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू, अ साइक्लिस्ट बाबू कवर द फर्स्ट। अच्छा 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, अ साइक्लिस्ट बाबू कवर द फर्स्ट बाबू, फर्स्ट 200 मीटर इन बाबू, कौन जल्दी से बताएगा? जल्दी बताओ बाबू, लक्ष्मी 200 मीटर बाबू इन सेकंड, सिक्स सेकंड एंड बाबू रिमेनिंग 200 मीटर इन 4 सेकंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड कितना होगा लक्ष्मी? बताओ स्वाति। 40 मीटर पर सेकंड आएगा। एलकेजी का क्वेश्चन, अस्मिता सुनाई दिखाई दे रहा बाबू? अस्मिता बाबू, अस्मिता नहीं बोलोगी? हाँ सर सुनाई दे रहा है। हाँ बाबू, तो टाइम से आना चाहिए था बाबू। सर नेट थोड़ा खराब था। अच्छा तो वाईफाई का कनेक्शन ले लीजिए, इशू क्या बाबू, क्लास करना ही तो। सर नहीं, जियो फाइबर है पर अच्छा, पता नहीं आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। अच्छा चलो ठीक है, मंडे से बाबू 2 खुराक, एक इस टाइम में वो 9 से 8 से 9 है ना, आपका 9 का सिलेबस पढ़ना है ना वो फोर्स वगैरह। हाँ सर पढ़ना है। हाँ तो यहाँ तक हमने एवरेज स्पीड खत्म कर दिया, अब इस बैच में इसमें स्पीडोमीटर पढ़ा देंगे, ग्राफ बता देंगे थोड़ा सा है ना, और इसमें बाबू डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, चूंकि हमारे पास बच्चे ही सब है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी देखेंगे जैसा रहेगा तभी सब, कैचिंग पावर चाहिए ना बाबू। देखो ना अलीसा रो रही है। ए बैच में होगा ना सर? मेरे बुक में है मगर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपके बुक में है सानवी? यस सर। सर हम 4 में पढ़े थे। सर क्लास 8 में। 8 में, अच्छा ठीक है, तो थोड़ा कवर करवा देंगे, ठीक है ना, है तो कवर करवा देंगे। चलो अच्छी बात है, तो कवर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो वेलोसिटी भी बता देंगे। नेक्स्ट क्या करो, साइक्लिस्ट करो फर्स्ट 200 मीटर बाबू इन 6 सेकंड, मतलब दिया हुआ है क्या सर? दिया हुआ है क्या वो है ना बाबू? दिया हुआ क्या वो 200 मीटर जाता बाबू 6 सेकंड में, ठीक, और फिर अगला 200 मीटर जा रहा है 4 सेकंड में, अगला 200 मीटर कहाँ जा रहा है 4 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कितना सर? कितना सर 200 प्लस 200, टोटल टाइम टेकन कितना सर? 6 सेकंड प्लस 4 सेकंड, यही ना बाबू? इसमें क्या डायग्राम बनाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना 200 मीटर बाबू, और प्लस सेकंड भी कितना 200 मीटर अपॉन बाबू टोटल टाइम टेकन कितना सर? यहाँ 6 सेकंड सर, अब प्लस बाबू कितना सर? सेकंड बार में कितना 4 सेकंड है। अलीसा आ रहा है समझ में बाबू? यस सर। नेक्स्ट 400 मीटर बाबू अपन कितना, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। ये मम्मी कहीं कैंसिल आउट करने के लिए, हाँ 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा है ना, तो मीटर पर सेकंड पे सर। स्वाति आता है समझ में? स्वाति क्या कौन बोल रही है? सालनी
नहीं आई सालनी, नहीं आ जाए सानवी बोल रही थी, सालनी सालनी का आवाज दोनों का सेम ही लगता है। सर सियोना नहीं अटेंडेंस काटी है। सियोना बाबू होम ट्यूशन पढ़े, वो 6 से 7 पढ़ती है, ठीक है ना? अभी वो होम ट्यूशन पढ़ रहे। अरे सिद्धांत बोले ना बाबू, वो 7 बजे से होम ट्यूशन पढ़ती है, तभी नहीं आएगी, 6 से 7 वाले बैच में पढ़ती है। बच्चे बाबू क्या कर बाबू, परेशान रहता, ठीक है ना? एक के चीज को स्कूल में भी पढ़ो, फिर उसी चीज को, अब हमको तो समझ में नहीं आता एजुकेशन। पेरेंट्स का देखो बाबू, स्कूल में पढ़ाई होता है, अब फिर उसी चीज को दोबारा पढ़ने के लिए हमको उसी बुक को जो स्कूल में पढ़ा उसी को फिर लाइन बाय लाइन होम ट्यूशन टीचर रखेंगे, और कितना फी करेंगे, 3,000-4,000, फिर 4,000 लेंगे। तो जब एक ही चीज को दो बार पढ़ाना है तो स्कूल काहे ले बच्चे को भेजें? हद है बाबू, एक ही चीज को दो बार, आप इससे क्या होता है ना, बच्चे की सोचने की कैपेबिलिटी घट जाता है। बार बार एक ही चीज को टीचर पढ़ाया, फिर उसी को आकर कोई होम ट्यूशन में टीचर पढ़ा रहा है, तो कैपेबिलिटी घट जाएगा। अपने तो दिमाग लगाओगे नहीं आप लोग, लेकिन क्या किया जाएगा वो, इसीलिए हम उसको फॉलो नहीं करते, हम किसी के बुक एरर नहीं फॉलो करते। सबसे बढ़िया अपना सिलेबस पढ़ाइए, उसके बाद आप किसी भी बुक से बनाइए, कुछ बन जाना चाहिए बस। एक के चीज के लिए होम ट्यूशन पढ़ेगा, वही स्कूल में भी पढ़ेगा। चेयरमैन सर कहते हैं कि होम ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए, जो हम तो जो बिक रहा था वही पढ़ता है ट्यूशन। हाँ एक अब आप एक चीज मान लो पढ़ा दिया बाबू, ठीक है ना, पढ़ा दिया स्कूल में, है ना, उसी चीज का फिर डिट्टो, वही डिट्टो एकदम होम ट्यूशन में भी चाहिए, है ना? तो फिर आप कब पढ़ोगे? और उसके लिए बाबू 3,000-4,000 रुपया होम ट्यूशन, कोई भी टीचर 3,000 से कम नहीं लेगा, मिनिमम तो 3,000 देता है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए बाबू हम किसी बुक को फॉलो ही नहीं करवाते हैं। आप जैसे एवरेज स्पीड पढ़ा दिए, इतना सारा क्वेश्चन करवा दिए, अब एवरेज स्पीड से क्लास 9 का उठवाओ, किसी भी बुक आपके सामने अभी बनवाते हैं 9 का, है ना? नहीं बनेगा तो फिर हमको कहना, ठीक है 9 का बनाते हैं, 8 में होगा तो 8 का बनवाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एलकेजी का क्वेश्चन, आकार बाबू कौन जल्दी से बनाएगा? आकार बाबू ट्रेवल बाबू 30 किलोमीटर, आइट बाबू इनफॉर्म स्पीड, आइट इनफॉर्म स्पीड ऑफ बाबू, कौन बनाएगा आइट इनफॉर्म स्पीड बाबू, बताओ अस्मिता, 40 किलोमीटर पर आवर, एक कार्टर और 30 किलोमीटर, आइट इनफॉर्म स्पीड बाबू 40 किलोमीटर पर आवर, एंड बाबू नेक्स्ट 30 किलोमीटर, आइट बाबू इनफॉर्म स्पीड, इनफॉर्म स्पीड बाबू ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, टोटल 60 किलोमीटर। आंख मूंद के पागल जैसा बात मत करो, क्वेश्चन पहले समझो उसके बाद उसके बारे में सोचो, ठीक है ना? फाइंड बाबू इट्स एवरेज स्पीड, बताओ धर्मवीर बाबू, धर्मवीर मेले लाल बताओ बाबू, सबसे तेज स्टूडेंट पहले से दिया हुआ, क्या मेरे लाल सर पहले से दिया हुआ, कौन सी पहले से दिया हुआ, एवरेज स्पीड निकालना है। हाँ एवरेज फाइंड इट, एवरेज स्पीड निकालना, ये स्पीड दिया हुआ मेरे लाल, ये 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ, ऐसा आपको एवरेज स्पीड निकालना है। वन आवर क्या वन ना, अरे बाबू एवरेज स्पीड निकालना तो 1 आवर बोल रहे बाबू। कौन बनाएगा थोड़ा सा सोचो फिर बात करो, अस्मिता बताओ बाबू, अस्मिता बताओ मेरे लाल, छोटी सी प्यारी सी अस्मिता जल्दी बताइए स्वाति, बताओ बाबू जल्दी बताइए बाबू, बताओ सानवी, 60 किलोमीटर पर आवर, नहीं मेरे लाल 60, देखो ना ऐड कर दिया बाबू, 20 प्लस 40 60 किलोमीटर, हद कर दे बाबू सर, 170 किलोमीटर नहीं मेरे लाल, उतना नहीं होगा, नहीं उतना नहीं होगा, कौन बताएगा जल्दी से, इतना मरमरेंगे बाबू, स्पीड पूछ रहे थे, आवर का बता रहे हैं सर 120,
नहीं मेरे लाल 120 उन्टी नहीं होगा 7 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर चलो बाबू अच्छी बात है किसी ने 2 किलोमीटर पर आवर नहीं मेरे सत्यम क्वेश्चन आप लोग मतलब आप लोग पढ़ने में इतने कमजोर एलपीजी का क्वेश्चन नहीं देखो कैसे करना देखो भागा कौन बाबू बेटू वीडियो ऑन करो बेटू बेटू बाबू वीडियो ऑन कीजिए चलो ठीक है देखो गया कौन सा इंसान भी 83 सर हाँ 80/3 के आसपास आएगा चलो ठीक है देखो आ गया सर देखो कैसे करना बाबू एक कार ट्रेवल बाबू 30 किलोमीटर मान लो कोई क्या बाबू कार है कोई क्या बाबू पहले क्वेश्चन समझो लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा डोंट राइट एनीथिंग जो जो लिखा उसका माइंड भाई भाई नहीं पहले आप समझो क्वेश्चन समझोगे बन जाएगा कोई कार है बाबू ठीक है सर दादी घर से शुरू किया बाबू नानी घर जाएगा हाँ आंसर 26.6 बनाएगा सर हां सर उतना आ रहा है 26.6 यस सर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हां उतने देखो एक कार है बाबू एक कार ट्रेवल 30 किलोमीटर कार गया बाबू मान लो ए पोजीशन से बाबू शांति से समझना आसान भी दादी से नानी घर जा रहा था बीच में बाबू मान लो कि आपको ढाबा मिल गया बाबा का ढाबा मिल गया तो वहां पे खाने के लिए रुक गया है ना बाबू खाने के लिए रुक गया तो एक कार ट्रेवल बाबू 30 किलोमीटर कितना गया 30 किलोमीटर गया ठीक है ना कितना स्पीड से गया बाबू आई टेन इनफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर मतलब कोई गाड़ी है बाबू 40 किलोमीटर स्पीड से गया है ना 40 किलोमीटर स्पीड से गया 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ठीक है एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर मान लो यहाँ पे आया सर इसके बाद बाबू क्या बचा मान लो यहाँ पे गया अरे मेरे सैतान मान लो आपका दादी घर से शुरू किया और नानी घर जाना है बीच का डिस्टेंस टोटल कितना 60 किलोमीटर है ना बीच का डिस्टेंस कितना 60 किलोमीटर तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जा रहा है और नेक्स्ट बाबू जब इस पॉइंट पे पहुंचे बाबू तो यहाँ पे उसने क्या किया है ना वो उसके बाद स्पीड कितना आ रहा बाबू 20 किलोमीटर है ना वो यहाँ से स्पीड कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर हो गया तो पूछ रहा बाबू एवरेज स्पीड पूछ रहा समझो सिचुएशन समझो देखो शांति से पहले समझ लो एक बार बाद में लिखना ठीक है ना लिखने की काम बाद में करना कौन भागा सैतान है वो भागता है जिसको भागने दो यहाँ से आप चलना शुरू किए ठीक है टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर ठीक है तो 30 किलोमीटर आप किस स्पीड से गए 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से गए ठीक उसके बाद बाबू आपको थोड़ा बाबू क्या हो गया मान लो कि बाबू थोड़ा काम लग गया है ना बाबू ट्रैफिक मिल गया तो आपने स्पीड क्या किया रिड्यूस कर दिया अब स्पीड कितना अगले 30 किलोमीटर किस से जा रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो है ना तो पहले बाबू 40 से जा रहा है फिर आपने स्पीड घट के बाबू कैसे कह रहा है 20 से जा रहा है कैसे जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना तो कह रहा बाबू इस जर्नी के दौरान आपका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा यही पूछ रहा है तो सोचो कैसे प्रोसीड करोगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से भाई पहले वो कैसे प्रोसीड करोगे तो पहले क्या करना है एवरेज स्पीड वाला फार्मूला लिख लेना क्या करना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेना तो मम्मी क्या पढ़ाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनाइए बताइए टोटल डिस्टेंस है ना टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना टोटल टाइम बताइए है ना ये तो बात समझ में आता है तो टोटल डिस्टेंस कितना था तो 30 + 30 60 किलोमीटर और टोटल टाइम है पता सर मैं थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर रहा हूं अच्छा ठीक है टोटल टाइम पता है यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर जा रहा है 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से और यहाँ से बी से सी गया यहाँ स्पीड दिया और यहाँ डिस्टेंस दिया इसमें भी डिस्टेंस दिया स्पीड दिया तो टाइम नहीं ना पता है टाइम नहीं पता रहेगा तो कैसे टोटल टाइम निकालोगे तो पहले आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए फर्स्ट मोटो क्या होना चाहिए यू हैव टू फाइंड अबाउट टाइम कहाँ से कहाँ सर यहाँ स्पीड कुछ है ना तो ए से बी के बीच में कितना टाइम लगेगा आप वो फाइंड करो फिर बी से सी के बीच में कितना टाइम लगेगा वो टाइम फाइंड करो ये दोनों टाइम को ऐड कर दो तो टोटल टाइम आपको पता हो जाएगा टोटल डिस्टेंस पता है ये है टोटल डिस्टेंस पता है ये है कितना 60 है 30 + 30 = 60 तो टाइम फाइंड करो तो टाइम का फार्मूला क्या होता है टाइम का फार्मूला हमको तो नहीं पता है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वहीं से निकालो है ना वहीं से हम लोग निकालेंगे है ना हाँ बाबू ठीक है बाबू तो हमको क्या टोटल टाइम में हमको टाइम निकालना है ना बाबू तो टाइम इस स्लॉट के लिए टाइम निकालो और इस स्लॉट के लिए टाइम निकालो तो टाइम टेकन बाबू हम लोग आगे क्या लिखेंगे समझो टाइम टेकन बाबू फ्रॉम कहाँ सर वन आ रहा है सर टाइम ठीक है ना फ्रॉम ए टू बी टाइम टेकन बाबू फ्रॉम बाबू कहाँ ए टू बी ए से बी जाने में कितना समय लगेगा सर है ना तो बाबू आपको फार्मूला बताए ना बाबू डिस्टेंस बराबर मम्मी क्या पढ़ाई है डिस्टेंस बराबर क्या पढ़ाई बताओ डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई यही पढ़ाई ना बाबू है ना सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है तो पढ़ाई है ठीक है तो हमको डिस्टेंस तो पता है ना सर डिस्टेंस तो पता
और यहाँ से वो स्पीड भी पता, तो टाइम बराबर फॉर्मूला यहाँ से नहीं निकाल सकते मेरे लाल, बताओ टाइम बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा यहाँ से। अरे बाबू डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड को पकड़ के इधर ले आ, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। यही होगा ना। सौ सौ डिस्टेंस कितना दिया मेरे ला? डिस्टेंस ए से बी हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं? ए से बी, ए से बी की दूरी कितना दिया? 30 किलोमीटर दिया हुआ, तो 30 किलोमीटर हो गया। स्पीड कितना दिया हुआ? 40 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान देना। स्पीड कितना दिया सर? 40 दिया हुआ वो, किलोमीटर दिया, पर क्या दिया? आवर दिया हुआ है ना, है ना? ठीक है सर, ये किलोमीटर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम रहता है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, आई आवर उछल के न्यूमिनेटर में चल जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, आवर हो जाएगा मेरे लाल। ये आवर है, क्या है मेरे लाल? एच फॉर आवर है, एच फॉर क्या? आवर है, तो 3/4 हो गया, आवर हो गया। तो ए से बी में जाने में कितना समय लग रहा है सर? 3/4 आवर लग रहा है, ठीक। इसी प्रकार बाबू बी से सी में टाइम निकालो, यहाँ से टाइम निकालो, है ना बाबू? टाइम टेकन बाबू, टाइम टेकन बाबू, टाइम टेकन बाबू फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, बी से सी के बीच में कितना टाइम लगेगा सर? तो वैसे बाबू टाइम बराबर क्या फॉर्मूला मम्मी पढ़ाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड पढ़ाई, यही पढ़ाई है ना टाइम बराबर? बाबू टाइम बराबर क्या पढ़ाई है? डिस्टेंस पढ़ाई है, अपॉन क्या पढ़ाई है? स्पीड पढ़ाई, यही तो मम्मी पढ़ाई है, यही पढ़ाई है। हाँ सर यही तो पढ़ाई है। तो बी से सी में कितना डिस्टेंस सर? 30 किलोमीटर, किलोमीटर। और स्पीड कितना सर? 20 किलोमीटर। और ये जो लाइन है बाबू, ये बटा लाइन होता है, ये डिवाइड बाय किलोमीटर पर आवर कहने को बोलो क्या? किलोमीटर डिवाइड बाय आवर, तो किलोमीटर डिवाइड बाय आवर होगा। ये जीरो जीरो कैंसिल, और किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 3/2 आवर उछल के न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो 3/2 आवर। अब 3/2 यहाँ से यहाँ का टाइम पता चल गया सर, यहाँ से यहाँ का टाइम पता चल गया, तो टोटल टाइम नहीं निकल जाएगा, दिस टाइम प्लस दिस टाइम, टोटल टाइम निकाल दो, टोटल डिस्टेंस पता है, एवरेज स्पीड निकाल दो। राइट राइट ऑन करो, समझा धर्मवीर बाबू कि नहीं समझे बाबू? धर्मवीर नहीं समझिए तो बोलिए बाबू कि नहीं समझे, ठीक है ना? टोटल टाइम 9/4 आवर, ठीक है मेरे लाल, अच्छी बात है बाबू। तो स्पीड निकालिए, टोटल एवरेज स्पीड निकालिए सर, आ गया 26.33 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड मेरे लाल, वेरी गुड। जल्दी 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 लिखो बाबू, इसमें किसको किसको समझ में नहीं आया बाबू? अलीसा नहीं समझी बाबू? अलीसा, ए अलीसा सर नहीं बाबू, तो आपको बैच बाबू हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा बाबू, तो आपको एक बाबू दिक्कत हो जाएगा, तो कैसे बाबू ये सब कहाँ कैसे नहीं समझ में आ रहा बताइए? रिवाइज करती हो बाबू? पहले जो पढ़ाते उसको रिवाइज करती हो कि खाली भूल जाती हो? क्या बाबू अलीसा करोगी बाबू? रिवाइज करोगी तो कैसे नहीं समझ में आएगा? आप रिविजन नहीं करती बाबू, धीरे धीरे ऐसे कर कर बाबू आपको थोड़ा सा टफ होते जाएगा, ठीक है ना? बताते 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 जल्दी लिखो, बताते समझाते एक बार और समझाते हैं। एक बार और समझाते बाबू, ध्यान से पढ़ती नहीं है। प्रधान काय बंद है बाबू? प्रधान ऑन करो। उत्कर्ष इसको तो कूट देंगे, उत्कर्ष को क्या उधर कर रहा है उत्कर्ष? नहीं सर कुछ नहीं, आपका ऐसा हिसाब किताब हो ले बाबू, बहुत ये हो गया, ठीक है ना? हाथ पैर तोड़ के फिर भगा देंगे। 10 मिनट पढ़ेगा, 5 मिनट उधर देखेगा, 5 मिनट पढ़ेगा उधर देखेगा। लक्ष्मी, ए हमारी लक्ष्मी, ए लक्ष्मी बाबू नहीं बोलिएगा, रामनवमी इसके कर बाबू, रिवाइज करती है बाबू? यस सर। तो कहाँ जा रही बाबू? किस रूम में जा रही? इससे उस रूम में जा रही बाबू? लक्ष्मी यस सर, कहाँ जा रही हो? सर कहीं नहीं। तो फेयर कंप्लीट हो गया सारा? यस सर। तो इसको लिख ली? बोलेगी यस सर। अरे मेरे शैतान, कब लिखे बाबू? आप तो इस रूम से खाली उस रूम में टहल रहे हो, तो लिखी कब?
झूठ भी बोलते हो लक्ष्मी? हो गया सर, नहीं लिख लिए थे। लिख लिए थे, अच्छा चलो चेक करते हैं, ठीक है ना। देखो सिद्धार्थ क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। समझो स्वाति बाबू, इसमें एक लिखा है सर। हाँ बोलिए सर, हम क्लास में आ सकते हैं भैया वाला? इसमें यस सर। अरे नहीं समझ में आएगा बाबू, आके क्या करोगे? आओ बैठो, समझ में आएगा तो दिक्कत आएगा तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं समझ, अभी मत आओ, ठीक है ना, टेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी समझ में नहीं आएगा बाबू, जब आएगा तो दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे तब आना, ठीक है बाबू। देखो क्या करो बाबू, आपको क्या करे बाबू, अच्छा ठीक है, क्या करे, कोई कार है बाबू, क्या कोई कार है, ठीक है। तो पहले बाबू 30 किलोमीटर का था, 40 किलोमीटर पर आप पहले 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, किस स्पीड से का सर, किस स्पीड से सर? 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक ठीक बाबू, ठीक है ना बाबू। अरे मेरे शैतान, यही ना कार है बाबू, ठीक है ना, यही मान लो क्या हो गया, कार हो गया कि नहीं। अब पहले बाबू जा रहा है, बाबू पहले किस स्पीड से जा रहा है, पहले किस स्पीड से जा रहा है, ना पहले किस स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से गया। फिर बाबू उसके बाद स्पीड क्या किया, थोड़ा सा डाउन कर दिया, थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहा, धीरे धीरे जा रहा ना, धीरे धीरे जा रहा, ठीक धीरे धीरे जा रहा ना बाबू, अच्छी बात है। तो वही निकालने का रहा बाबू, जब ये ट्रेवल करो तो आपको एवरेज स्पीड निकालने का रहा। तो पहले 40 किलोमीटर पर आवर गया बाबू, स्पीड इसका क्या 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना 30 किलोमीटर है ना। नेक्स्ट बाबू 30 किलोमीटर किस स्पीड से जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है, अच्छी बात है ना। तो कह रहा है एवरेज स्पीड, यहाँ से ए से सी तक जाने में गाड़ी का स्पीड क्या रहा होगा, तो यहाँ स्पीड चेंज हो रहा है ना, वो कोई भी चीज का वो बहुत सारे वेरिएबल जब चेंज होता है तो उसको हम लोग एवरेज ही फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ का एवरेज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस तो पता है ही सर, 30 और 30 60 हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो पता है, 30 प्लस 30 कितना 60 हो जाएगा। टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन निकालना है, तो टाइम कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ए से बी में टाइम निकालो, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये याद करो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो यहाँ से बाबू डिस्टेंस दिया हुआ है, 30 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दिया हुआ और स्पीड भी दिया, स्पीड भी दिया 40 दिया हुआ है ना। तो ये 0 0 कैंसिल, 30/40 तो 0 0 कैंसिल नहीं होगा, तो 3/4 हो गया। ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाता है मेरे लाल, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया। आइसो टाइम का यूनिट क्या होता है सर, आवर होता, नहीं तो सेकेंड होता, यहाँ आवर दिया होता, यूनिट क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, तो 3/4 नहीं मेरे लाल, वैसे नहीं, इसका स्पीड ऐड करके दो से डिवाइड कर दोगे, नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, कि इसका 20+40 ऐड कर दिया 60 हो गया, 60/2 30 वो गलत हो जाता है, वो एवरेज स्पीड वैसे नहीं फाइंड आउट करते, एवरेज स्पीड का यही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ बाबू बोलिए, धर्मवीर क्या टाइम प्लस है डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस था सर, ये पूरा का 30 किलोमीटर से 30 किलोमीटर, हाँ 30 60 हो गया डिस्टेंस टोटल, टाइम को भी तो ऐड करते 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को सर 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम को बाबू, यहाँ टाइम है ना बाबू, तो स्पीड को कैसे, टाइम से बाबू स्पीड कैसे ऐड करो बताओ। ऐसे आप बोले बाबू सर कि सर यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर हो गया सर, टोटल स्पीड हो गया बाबू है ना, हाँ टोटल डिस्टेंस 60 हो गया सर, तो वहां से टाइम निकाल लीजिए कि नहीं, है ना बाबू। बाबू स्पीड बाबू नहीं ऐड कर सकते, दोनों स्पीड वेरिएबल है बाबू, ये अलग वैल्यू है, ये देखो डिस्टेंस दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। यहाँ बाबू 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर इसको ऐड करके 60 नहीं बोल सकते, मान लो गाड़ी अब बाबू 40 से चला दिए और फिर 20 से चला दिए तो उसका स्पीड क्या बोलोगे, 60 बोलोगे, नहीं बाबू। जब भी बाबू यहाँ वेरिएबल स्पीड जब वेरी करे वो, तो उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं। आपको कल कितना अच्छा एग्जाम्पल, मान लो एक क्लास रूम है, वहाँ पे बाबू 10 स्टूडेंट है, तो बोलेगा कि एज कितना होगा, मतलब क्लास रूम का एज कितना होगा, तो किसका बताओगे, एक का बताओगे कि ओवरऑल बाबू सारे स्टूडेंट का एवरेज निकाल के बताओगे। तो यहाँ बाबू दो तरह के आपका स्पीड है, एक 40 किलोमीटर पर आवर है, एक 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ का स्पीड अगर पूछेगा, वो दो तरह का स्पीड है ना, तो इसको आप लोग एवरेज से ही फाइंड आउट करोगे। ऐसे नहीं बोल दोगे कि यहाँ से यहाँ का स्पीड कितना हो गया, 60 होगा, एक गलत हो जाता है, एक से ज्यादा क्वांटिटी है ना, तो वहाँ पर एवरेज फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ का टाइम निकालो बाबू, बी से सी का टाइम कितना हो जाएगा सर, बी से सी का टाइम कितना सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30 सर, स्पीड कितना दिया 20 दिया, तो इतना टाइम निकल गया। अब बाबू यहाँ से यहाँ का टाइम निकल गया आपको, शांति सुनो, ये बी से बाबू ए से बी के बीच का टाइम निकल गया कितना सर, 3/4 आवर। बी से सी का बीच का टाइम निकल गया सर कितना, 3/2 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया सर,
थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई टू है ना, तो नेक्स्ट लिखेंगे और टोटल टाइम हम लोग लिखेंगे। म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट करो, टोटल टाइम हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट बाबू, टोटल टाइम लिखो, टोटल टाइम टाइम फाइंड आउट करो। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से टैकल करना, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, समझिए अलीसा के नेक्स्ट म्यूट कर, टाइम भी फोर, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, थ्री बाई फोर आवर बाबू, यहाँ पे था ना थ्री बाई फोर आवर बाबू, अब प्लस कितना थ्री बाई टू आवर, समझिए अलीसा के नहीं समझिए बाबू, नेक्स्ट इसका एलसीएम आता बाबू, टू फोर का एलसीएम कितना होगा अलीसा, सर आप जो वो एलसीएम वाला वो बताए थे ना उसके वजह से टाइम बहुत बचा, 9/4 होगा टोटल टाइम, अभी बहुत टाइम बचेगा बाबू, आपको टेंशन क्यों लेते हो, एलसीएम में बाबू बहुत सारा चीज अभी एवरेज निकालने का, हाँ ये कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा प्लस ये टू सिक्स हो जाएगा है ना बाबू, तो कितना हो जाएगा 9/4 आवर हो जाएगा है ना, ठीक। अब हमको टोटल टाइम तो निकल दिया गया सर, टोटल डिस्टेंस पता हो गया सर, एवरेज स्पीड नहीं मम्मी निकाल लेगी बाबू, कितना आसान है कुछ करना, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना सर 30 + 30, यही तो एलकेजी का चीज है, किस क्लास के सर बाबू, मैंने टू का मैक्सिमम टू तक का है ना, कुछ करना है 30 किलोमीटर, टाइम भी तो आपको दिया हुआ 9/4 दिया हुआ, इसका कैलकुलेशन करने बताएंगे ठीक है ना, ये कम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया, ये कम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया, 30 + 30 मम्मी क्या पढ़ाई है, 60 पढ़ाई है, 90 ठीक है, 30 + 30 60 ना पढ़ाई बाबू, ठीक नेक्स्ट बाबू, 9/4 है, 9/4 ठीक, ये फोर उछल के ऊपर चल जाएगा, फोर उछल के बाबू न्यूमरेटर में, ऊपर कहाँ भगवान के पास नहीं चेता, फोर उछल के बाबू न्यूमरेटर में चल जाएगा, ये क्या है आवर है, तो 60 × 4 डिवाइड बाई कितना 9 हो जाएगा, जल्दी लिखो 60 × 4 डिवाइड बाई कितना 9, यूनिट क्या होगा चल ऊपर किलोमीटर, नीचे आवर, नीचे घंटा कि नहीं है ना, तो किलोमीटर पर घंटा, लिखो लिखो लिखो, 3 से 60 और 9 कटता है, सानवी मजा आता बाबू, सानवी रो रही बाबू, यस सर, सर मेरा पहले 6.66 किलोमीटर पर आवर आ चुका, अच्छी बात है, आपका बाबू सपना है, सपना नहीं आ रहा समझ में बाबू, सपना टाइम हो गया सर, सपना नहीं बोलिएगा शैतान, चलो बाबू ठीक है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, कितना हो गया बाबू टाइम हो गया, यस टाइम हो गया, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क, एलकेजी वाला क्वेश्चन सर, दो मिनट रुके ना सर, अरे शैतान इसको सिंपलीफाई करो ना, आ रहा है, इसको सिंपलीफाई करो ना, सर आ रहा है समझ में, अच्छी बात है सपना, वेरी गुड बाबू, इसको सिंपलीफाई करना, ये मेरे पास स्पेस नहीं बच रहा, 240/9 बाबू, 240/9 हो जाएगा है ना, 80/3 लिखिए देते बाबू, नहीं तो आप लोग फिर कहोगे कि दिक्कत हो जाएगा, देखते बाबू है ना, धर्मवीर बाबू थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करो धर्मवीर, और पढ़ने में मजा आएगा, पर्लल सब्जेक्ट लेके चलेंगे ना तो और पढ़ने में मजा आएगा, 26.66 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है, आपको 6 से 7 में इशू नहीं ना बाबू, सानवी नो सर, सानवी हाँ, ये 60 × 4 मम्मी क्या पढ़ाई, 240 पढ़ाई है, डिवाइड बाई 9 बाबू, बाबू इसको सिंपलीफाई करके करो ठीक है ना, आपको सपना 6 से 7 तक दिक्कत नहीं ना बाबू, सपना नो सर, हाँ मेरे लाल किलोमीटर पर आवर, इसको बाबू 3 से कैंसिल आउट करो तो 3 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 80/ कितना 3 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 26. बाबू 33 किलोमीटर पर 26.33 आ जाएगा,
सर 66 आएगा सर। ठीक है वेरी गुड। कहाँ जा रही बाबू? नेट खत्म होने लग रहा है 10% है। तो क्या दिक्कत है, हो जाएगा खत्म। एक क्वेश्चन लिख के जाओ। नहीं बस 90 खत्म हो गए सर और 10% ये तो जल्दी दे दीजिए क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा पूरा। अच्छा ठीक है वीडियो बंद करो, चल जाएगा 10% चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। इसको जल्दी से बना, इसको बना के लाना। तो 21 क्लास का LKG का क्वेश्चन है। अब फिर अलीसा रोना नहीं बाबू, नहीं बनेगा तो एक बार दो बार अटेम्प्ट करना, ठीक है ना? रोना धोना मत शुरू कर देना, नहीं तो फिर पापा ही फोन करते हैं। अ ट्रेन बाबू ट्रेवल्स, अ ट्रेन ट्रेवल्स बाबू एट ए स्पीड ऑफ, देखते हैं बाबू टाइम मिलता तो बिहार शरीफ का विजिटिंग कर लेंगे, ठीक है ना? ये ट्रेन ट्रेवल्स बाबू एट ए स्पीड ऑफ नवादा जाएगा सर। नवादा नहीं अभी शैतान, इतना जल्दी नवादा रहेगा। कल बाबू आप लोग का 7 बजे से क्लास रहेगा, कल हम लोग ट्रेनिंग वाला पढ़ लेना, पढ़ के आना, ठीक है ना? शाम को ना सर? हाँ शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे। टेस्ट नहीं होगा सर? नहीं टेस्ट नहीं लेंगे, टेस्ट नहीं लेंगे। आप लोग रामनवमी का पूजा मना, ठीक है ना? ट्रेन ट्रेवल्स ले लीजिए सर, क्लास सुबह शाम दो टाइम। अरे मेरे शैतान, सुबह अच्छा ठीक है, शाम को 7 बजे आ जाना, ठीक है ना? टेंशन मत, ये ट्रेन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर पर आवर है बाबू। तो शाम को रहोगे ना बाबू? गाँव जाओगे तो उससे क्या दिक्कत है सर? आएंगे मंडे को। अच्छा ठीक है, ट्रेन ट्रेवल्स अच्छा ठीक है मेरे शैतान, क्वेश्चन लिखो। ट्रेन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर इतना आवर, ठीक है ना? एट अबाउट 30 किलोमीटर पर आवर बाबू फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर एंड बाबू देन 70 किलोमीटर पर आवर। सर नेक्स्ट छूट गया इतना, देन बाबू एंड देन बाबू 70 किलोमीटर पर आवर बाबू फॉर मतलब क्या होता है? नेक्स्ट है 0.7 आवर। What is its average speed? सर 0.71 आवर है। हाँ 0.71 आवर है। देखो क्वेश्चन समझाते बन जाएगा। पिछला क्वेश्चन में 2 स्लॉट था ना बाबू, यहाँ पे 3 है, 3 बार स्पीड चेंज हो रहा है। हो गया सर। चलो क्वेश्चन समझा देते, उसके बाद बना अभी नहीं हुआ। लिखो ना कोई दिक्कत नहीं है। सर हो गया सर। शिवानी शालिनी नहीं आई थी बाबू, शालिनी नहीं आई थी। चलो अच्छी बात है, मैं फोन कर दूंगा। अटेंडेंस काट गया सर। हाँ बाबू अटेंडेंस लिख दिया बाबू, ठीक है ना? सबका मार्किंग कर दिया, टेंशन मत लो। उसके लिए अप्रैल मंथ है बाबू नेक्स्ट। सर आप 9th का सिलेबस कब पढ़ाओगे? मंडे से बाबू, 8 से 9। ठीक है सर। चलिए होमवर्क नहीं है सर? अरे होमवर्क है बाबू, क्वेश्चन समझा देते हैं, इसको बना के ही लाना है सर। तो अभी जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग भी करें, बना लेना ठीक है। के लिए क्लास से लीव हो रही हूं, पापा को बोल रही हूं क्योंकि सर और ज्यादा नहीं बचाया डाटा, इसलिए पापा को बोलती हूं कर लो। अच्छा ठीक है ठीक है। ए है बाबू, बी है बाबू, और ये अस्मिता, ये क्या बोले बाबू, ये सिलेबस अभी आपका 9A का, ठीक है ना? हां सर पता है, पढ़ा है अभी। बुक देखी हो? हां सर पढ़ा है। हाँ तो फिर बाबू तो कैसे कर रहे, 9th का नहीं पढ़ा रहे बाबू? ये 6 में पढ़ना, 8 में पढ़ना, 9 में पढ़ना, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ बाबू ये ट्रेन ट्रेवल बाबू, लेकिन हमारे बच्चे 4-5 थे इसीलिए 1-2 लस लगे। ये ट्रेन ट्रेवल बाबू एट स्पीड आओ, क्या करा बाबू? ट्रेन है, पहले कहाँ जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। टाइम कितना ले रहा है? टाइम ले रहा है 0.52 आवर ले रहा है, ठीक। मतलब क्या सर? ए से बी गया बाबू इतना स्पीड से गया है ना, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। आपको एवरेज स्पीड का क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से टोटल टाइम निकल जाएगा, यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा,
है ना बाबू, नेक्स्ट बाबू एक स्लॉट और बनेगा 30 किलोमीटर बाबू, यहाँ से क्या दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, कितना दिया बाबू 0.24 आवर दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से आप पिछला क्वेश्चन में क्या था, आपने टाइम फाइंड आउट किया ना बाबू, यहाँ से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, टाइम स्पीड दिया हुआ। हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू एक यहाँ पे फाइनल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का दिया बाबू 0.24 आवर दिया। नेक्स्ट बाबू 70 किलोमीटर जा रहा है, फिर इस स्लॉट में कितना जा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, और टाइम कितना जा रहा है 0.71 आवर ले रहा है। तो कह रहा है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा मम्मी, क्या पढ़ाई है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही पढ़ाई ना। ठीक, टोटल डिस्टेंस तो हमको पता नहीं था, टोटल डिस्टेंस यानी इस ए से बी के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड अपॉन टाइम होगा, तो स्पीड को टाइम से डिवाइड करो, डिस्टेंस निकालो, इसके लिए डिस्टेंस निकालो, इसके लिए डिस्टेंस निकालो, और टाइम तो पता है ये सर, दिस टाइम प्लस दिस टाइम प्लस दिस टाइम, है ना, बन जाएगा धर्मवीर। हाँ सर बन जाएगा। यस सर। हाँ तो अटेम्प्ट करके लाइएगा, 6 मिनट ज्यादा होगा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, थोड़ा सा 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहे बाबू, तब आप लोग का HD में रिकॉर्ड होता, नहीं स्क्रीन शेयर करेंगे तो HD में रिकॉर्ड